नमस्कार, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सिस्टेमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इस सिस्टेमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को जानने से पहले फर्स्ट हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि डॉक्टर्स किस रूट को एडॉप्ट करेंगे, किस रूट को प्रेफर करेंगे टू एडमिनिस्टर द ड्रग। वो फैक्टर्स हैं हमारे यूजुअली जो फैक्टर्स होंगे वो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स होंगे। और वो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स क्या है कि पेशेंट का क्या कंडीशन है, पेशेंट का क्या एज है, पेशेंट के जीआईटी की क्या कंडीशन है, जो हम ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वो रूटीन ड्रग है या इमरजेंसी ड्रग है, जो ड्रग हमें एडमिनिस्टर करना है उस ड्रग की कहां पे हमें आवश्यकता है उसकी एक्शन की, क्या उसकी आवश्यकता लोकल एक्शन की है या हमें सिस्टमिक एक्शन प्रोड्यूस करना है, ड्रग की क्या करेक्टरिस्टिक्स है या ड्रग की क्या प्रॉपर्टीज है और डॉक्टर्स या पेशेंट का क्या चॉइस है। ये सारे फैक्टर्स, 7-8 फैक्टर्स मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, पेशेंट कंडीशन, पेशेंट एज, जीआईटी कंडीशन, थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव्स, वेदर इट इज रूटीन ड्रग और इमरजेंसी ड्रग, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग या प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग, एक्शन रिक्वायर्ड whether it is at the local site or in the systemic and at the last choice of the doctor or choice of the patient. ये सारे factors हैं जो factors decide करेंगे कि हम किस route को follow करेंगे to administer the drug. हम लोग पिछले वीडियो में स्टडी किया था रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है और उसे हम कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, उसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे सिस्टेमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कि सिस्टेमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। सबसे पहले हम इसे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि सिस्टेमिक रूट क्या किसे कहेंगे। यदि किसी ड्रग को हमने अपने बॉडी के ऊपर अप्लाई किया, बॉडी में इंट्रोड्यूस किया और वहां से वो ड्रग एब्जॉर्ब होकर हमारे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एंटर कर रही है तब हम उस रूट को कहेंगे इट इज द सिस्टेमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स ड्रग विल मूव फ्रॉम द साइट ऑफ एप्लीकेशन इन टू द ब्लड सर्कुलेशन टू प्रोड्यूस द सिस्टेमिक इफेक्ट, देन इट इज कॉल्ड द सिस्टेमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अभी सिस्टेमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है इसको फर्दर हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक हम नाम देते हैं एंटेरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा हम नाम देंगे पैरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एंटेरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड पैरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आज की वीडियो में हम लोग एंटेरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एम्फेसाइज करेंगे, उसके ऊपर उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि एंटेरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इनकी क्या एडवांटेजेस है और क्या इनकी डिसएडवांटेजेस है। वर्ड यहाँ पे है एंटेरल। एंटेरल वर्ड का मतलब ही होता है इंटेस्टाइन। जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में आप लोग एचएपी में स्टडी किया होगा एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन। एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन का मतलब क्या हो गया कि वो ब्लड सर्कुलेशन जो इंटेस्टाइन और लीवर के बीच में हो रहा है तब उस ब्लड सर्कुलेशन का नाम क्या देंगे, इट इज एंटेरोहिपेटिक ब्लड सर्कुलेशन। ठीक इसी तरह से हमारे डोजेज फॉर्म है जो कहते हैं एंटेरिकोटेड टैबलेट। एंटेरिकोटेड टैबलेट का मतलब क्या हो गया कि ड्रग को हमने बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया, जीआईटी में एडमिनिस्टर किया और वो ड्रग इंटेस्टाइन में जाकर डिसइंटीग्रेट या डिसॉल्व हो रहा है तो उसे हम कहते हैं इट इज ए एंटेरिक कोटेड टैबलेट। मतलब हमारे यहाँ कहने मतलब क्या था कि जो एंटेरिक वर्ड है वो एंटेरिक वर्ड इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। तब यहाँ पे जो ड्रग है ये ड्रग हम जीआईटी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, जीआईटी के थ्रू बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं तब हम इस रूट का नाम देते हैं इट इज द एंटेरिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अभी जो एंटेरिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ये फर्दर थ्री ग्रुप से डिवाइड कर सकते हैं या कह सकते हैं इनके थ्री टाइप्स होते हैं। एक हम नाम देंगे ओरल रूट, दूसरा नाम देंगे बकल रूट और तीसरा नाम देंगे सबलिंगुअल रूट। ओरल रूट, बकल रूट एंड सबलिंगुअल रूट। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ओरल रूट क्या है। जब किसी ड्रग को माउथ के थ्रू हम जीआईटी के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और वहां जीआईटी से वो ड्रग एब्जॉर्ब होकर ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर रही है टू प्रोड्यूस द सिस्टेमिक इफेक्ट, तब से हम कहेंगे इट इज एन ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कि ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू माउथ इंटू जीआईटी टू बी एब्जॉर्ब इंटू ब्लड सर्कुलेशन टू प्रोड्यूस द सिस्टेमिक इफेक्ट, देन इट इज कॉल्ड द ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अभी जो ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है इसके हम लोग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जानते हैं कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इसकी एडवांटेज। बहुत ही सिंपल, ये रूट एक नेचुरल रूट है।
पहले एडवांटेज होगी कि ये नेचुरल रूट है, नेचुरल होगी तो ये कन्वीनियंट होंगी, कन्वीनियंट है ये चूंकि नेचुरल है कन्वीनियंट है, पर ये सेल्फ एडमिनिस्टर्ड है, पेशेंट खुद 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 ब खुद उस ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकता है, हमें किसी की असिस्टेंस की आवश्यकता नहीं होगी, हम जब ड्रग लेंगे तो किसी तरह कोई पेन या कोई दर्द हमें महसूस नहीं होगा, और जब हमें यदि हमने ड्रग ले लिया और उस ड्रग की हमें आवश्यकता नहीं है तब इसको वोमिट करके ड्रग को विथड्रॉ कर सकते हैं। क्या क्या एडवांटेज होंगे, इट इज ए नेचुरल रूट, इट इज ए कन्वीनियंट, इट इज सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, नो नीड ऑफ द असिस्टेंस, नो पेन, एंड ड्रग कैन बी विथड्रॉन इफ इट्स एक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। इसके अलावा ये ड्रग पोर्टेबल है, पोर्टेबल मीन्स का बहुत आसानी से एक जगह से दूसरे जगह इसको ले जा सकते हैं, ये सेफ भी होंगी और ये इकोनॉमिक होंगी, सेफ होगी और ये इकोनॉमिकल भी होंगी। इसके अलावा बहुत सारे वैरायटी ऑफ डोजेस फॉर्म्स अवेलेबल हैं, जिस रूट जिस डोजेस फॉर्म को हम ओरल रूट से बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और ये इज मोस्ट सुटेबल फॉर द प्रोलॉन्ग्ड यूज और फॉर द रिपीटेड एडमिशन। सपोज करें कोई ड्रग हमें एडमिनिस्टर करना है फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन, वन ईयर के लिए कोई क्रॉनिक डिजीज है और उस क्रॉनिक डिजीज में लॉन्ग ड्यूरेशन के ड्रग का एडमिनिस्टर करना है, तो उस कंडीशन में हम इस रूट को प्रेफर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पेशेंट होगी, पेशेंट की एक्टिविटी में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द ओरल रूट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ सारे पॉइंट को, नंबर वन इज द नेचुरल कन्वीनियंट सेल्फ एडमिनिस्टर्ड नो असिस्टेंस नो पेन ड्रग कैन बी विथड्रॉन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन पोर्टेबल सेफ इकोनॉमिकल मोस्ट सुटेबल for the prolonged and repeated administration and there is no change in the patient activity, कि patient activity में किसी तरह कोई changes नहीं आएंगे, तो ये सारे advantages होंगे हमारी oral route of drug administration की। अब हम लोग इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि जो ओरल रूट है इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इसको सबसे पहला, यदि कोई ड्रग अनपैलेटेबल है, मींस उसका स्वाद अच्छा नहीं है, इट इज बिटर इन टेस्ट, या वो ड्रग इरिटेंट है, तो उसे ओरल रूट से देने में थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होगा, पेशेंट उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यदि वो ड्रग जीआईटी में जा रहा है तो जीआईटी के जूस के द्वारा, जीआईटी एंजाइम्स के द्वारा वो ड्रग डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो इससे उसकी जो एफिकेसी होगी वो एफिशिएंसी होगी, वो एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। तीसरा कि जब ड्रग एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद हम सभी जानते हैं कोई भी चीज जब जीआईटी से एब्जॉर्ब होती है तो सबसे पहले वो लीवर के अंदर एंटर करती है, जब ये ड्रग भी लीवर में जाएगी और जब वो लीवर में जाएंगी तो वहां पे ड्रग की मेटाबॉलिज्म हो जाएंगी, मीन्स ड्रग दो जगह डिटेरियरेट हो रहा है, एक हमारे जीआईटी के अंदर और दूसरा हमारे लीवर के अंदर, और इस डिटेरियरेशन को कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हो गया कि ड्रग बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, ब्लड सर्कुलेशन में एंटर नहीं किया और उससे पहले ही ड्रग की मेटाबॉलिज्म हो जाती है, तो उसे लोग कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो इसके डिसएडवांटेज है। और क्या डिसएडवांटेज हो सकती है कि ड्रग जो एब्जॉर्प्शन होगा वो एब्जॉर्प्शन डिपेंड करेगा फूड कंटेंट इन द जीआईटी, जीआईटी के अंदर जो फूड कंटेंट है, जीआईटी जो कंटेंट है वो कंटेंट भी अफेक्ट करता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को, तो उसके चलते ड्रग के एब्जॉर्प्शन स्लो भी हो सकता है या ड्रग के एब्जॉर्प्शन फास्ट भी हो सकता है, और इन सभी कारण के चलते जो ड्रग का जो डोज होगा वो डोज हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी, मींस जो दूसरे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसके कंपेरिजन में यहां भी हम ड्रग बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करेंगे तो उसका जो डोज होगा वो ज्यादा होगा, लार्ज अमाउंट होगा। क्यों लार्ज अमाउंट क्यों हो रहा है कि ड्यू टू द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ड्यू टू द स्लो एंड इरेटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग फ्रॉम द जीआईटी। ये तो क्या हमारे ड्रग के बारे में। अब यदि मान लीजिए और कंडीशन क्या क्या हो सकती है कि सपोज करें कि कोई इमरजेंसी कंडीशन है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, पेशेंट अनकोऑपरेटिव है, पेशेंट वोमिटिंग कर रहा है, पेशेंट डायरिया से सफर कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम इस रूट को प्रेफर नहीं कर सकते हैं। और यदि ड्रग का डोज बहुत ज्यादा है, लार्ज डोज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग बॉडी के एडमिनिस्टर करना है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग ओरल रूट को प्रेफर नहीं कर सकते। तो ये हमारे डिसएडवांटेज हो गई ओरल रूट के। जब मैं फिर से इसको समराइज कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, डिसएडवांटेज का सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि यदि इरिटेंट
ड्रग है, अनपलेटेबल ड्रग है, तो पेशेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जीआईटी जूस या जीआईटी एंजाइम्स के द्वारा ड्रग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लीवर के अंदर भी ड्रग डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और ये सभी क्या प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जीआईटी के अंदर जो फूड कंटेंट होंगे वो फूड कंटेंट भी हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करेंगे, जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा उसको स्लो कर देंगे या उसको फास्ट कर देंगे। इसके अलावा जो ड्रग जीआईटी जो पीएच है, पीएच की वेरिएशन होती है, स्टमक का पीएच कुछ और होगा, इंटेस्टाइन का पीएच कुछ और होगा, और पीएच वेरिएशन भी हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन का अफेक्ट करती है। मींस ये जो दो फैक्टर्स हैं वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को स्लो भी कर सकती हैं और फास्ट भी कर सकती हैं। यदि हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ड्रग का बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करना है तो उस कंडीशन में हम इस डोजेज फॉर्म को प्रेफर नहीं करेंगे। और अब पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स में पेशेंट रिलेटेड पॉइंट क्या क्या हो गया, यदि पेशेंट यदि कोई इमरजेंसी कंडीशन है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, पेशेंट अनकोऑपरेटिव है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द वॉमिटिंग है, या पेशेंट को डायरिया हो रहा है, या तो इस कंडीशन में भी हम इस रूट को फॉलो नहीं कर सकते। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द ओरल रूट। ओरल रूट के बाद जो दूसरा कैटेगरी हमने स्टडी किया था बकल, याद होगा हमने क्या नोट किया था कि जो एंटेरल रूट है, इस एंटेरल रूट को थ्री टाइप में डिवाइड किया था, ओरल, बकल एंड सबलिंगुअल। जो बकल रूट है, बकल रूट में क्या होगा कि ड्रग को हम लोग बकल कैविटी के अंदर रखेंगे और वहां उसे च्यू करेंगे, और च्यू करते वो ड्रग वहां से डिजॉल्व होता रहेगा और ड्रग डीआईटी के अंदर जाता रहेगा या वहां बकल कैविटी से वो एब्जॉर्ब होता रहेगा। और लास्ट पॉइंट है दैट इज द सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट पे क्या होगा कि जो ड्रग होगा उसे हम लोग टंग के नीचे रख देंगे और वहां से वो ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस रूट के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज क्या होगा कि ड्रग को हम लोग टंग के अंदर रख रहे हैं तो वहां से ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होगा, और जब वहां से एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा तो ऑटोमेटिकली है कि ड्रग का जो एक्शन होगा दैट विल बी द क्विक एक्शन। मींस इमरजेंसी कंडीशन में हम लोग सबलिंगुअल ड्रग का यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये ड्रग जो हम लोग सबलिंगुअल कर रख रहे हैं तो वहां जो एब्जॉर्ब हो रहा है तो डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर रहा है, न तो जीआईटी के अंदर जाकर डिटोरिएट हो रहा है और न ही वो लीवर में डिटोरिएट हो रहा है, और न ही जीआईटी के जो एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम थी जो फूड कंटेंट के चलते और पीएच के चलते, वो एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम भी इस ड्रग के साथ से नहीं आ रही है। मींस ड्रग बहुत इमरजेंट, कोई भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही है और ड्रग के एब्जॉर्प्शन में किसी तरह कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। इससे क्या होगा कि ड्रग का एक्शन फास्ट हो जाएगा और जो ड्रग का डोज होगा वो ड्रग का डोज भी कंपैरेटिवली बहुत ही कम हो जाएगा, मींस लोड हो जाएगा। मींस क्या क्या एडवांटेज होंगे इसके कि इसका क्विक एक्शन है, फर्स्ट हम कहेंगे क्विक एब्जॉर्प्शन है, क्विक एक्शन है, नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है और लो डोज है, मींस कम अमाउंट में ड्रग को हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोग्लिसरीन या टोबैको का हम कर सकते हैं। टोबैको है जो एडिक्शन के लिए यूज करते हैं पर्सन, तो टोबैको भी इसी सबलिंगुअल रूट से बॉडी के अंदर निकोटिन्स का एब्जॉर्ब होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसके द्वारा सिर्फ लिपिड सॉल्युबल ड्रग ही, और जो नॉन इरिटेंट ड्रग है कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है और जो नॉन इरिटेंट ड्रग है, सिर्फ उन्हीं ड्रग्स को हम लोग सबलिंगुअल रूट से बॉडी में एडमिनिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि जो वाटर सॉल्युबल ड्रग हम सबलिंगुअल देंगे तो उसके एब्जॉर्प्शन वहां से स्लो हो जाएंगे, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होंगी उसके एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाएंगे। मींस दिस रूट इज प्रेफर्ड ओनली फॉर द लिपिड सॉल्युबल ड्रग, और जो ड्रग नॉन इरिटेंट है सिर्फ उन्हीं दो ड्रग को हम इस रूट से कर सकते हैं, और कभी कभी ये इनकन्वीनियंट हो जाता है ड्यू टू बीटा टेस्ट ऑफ द ड्रग। ये हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए हमारे सबलिंगुअल रूट की, और इसे हम लोगों ने आज कंप्लीट किया एंटेरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की क्या होता है, उनकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या उनके डिसएडवांटेजेस हैं और कितने उनके टाइप्स होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो।